भोजन हम भी करते हैं, भोजन पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, समस्त चैतन्य जीव हमारी तरह रहते हैं। जैसे हमारे अंदर चेतना है, चेतनशील है, ऐसी यह चेतनशील जगत में सर्वत्र जो हमको प्राप्त है वही चेतनशील जगत में सबको प्राप्त है। भोजन सबको मिला हुआ है, हमें भूख लगती है तो भोजन सहज मिल जाता है, रहने के लिए छत हमको मिला हुआ है, पशु पक्षी सबको मिला हुआ है आश्रय। संसार के विषय भोग हम चाहते हैं मिल जाता है, पशु पक्षी चाहते हैं उनको भी सहज रूप से मिल जाता है। सब कुछ बराबरी का है यहां हिसाब, लेकिन हिसाब में थोड़ा सा अंतर है मनुष्य और पशु पक्षी के जीवन में। इतना सा अंतर है कि मनुष्य धर्म कर सकता है, सत्य क्या है असत्य क्या है धर्म के स्वरूप को समझ सकता है, विवेक प्रधान है, बुद्धि प्रधान सब है, बुद्धि सब जीवों के अंदर भगवान ने दे रखी है, सबके पास बुद्धि है, लेकिन विवेक केवल मनुष्य को मिला हुआ है। और विवेक क्या है, विवेक का फल क्या है, सत असत का है, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य केवल भगवान का भजन है, और भगवान का भजन कैसे होगा, क्या कथा बांचने से भगवान का भजन हो जाएगा, क्या कथा कहानी सुनने से भगवान का भजन हो जाएगा, नहीं। भगवान का भजन होगा सत्संग में, जब हम जाएंगे सत्संग का जब लाभ हमें मिलेगा जीवन में, सत्संग करते 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 संतों के मुखारविंद से दिव्य अमृत वही वाणी से जब हम भगवान के गुणानुवादन को श्रवण करेंगे, घर में जाकर के चिंतन करेंगे, तो भगवान में रति उत्पन्न होगी, भगवान में प्रेम बढ़ेगा। तो ये सब कुछ भगवान के प्रति जो प्रेम अनुराग भक्ति है, इसकी प्राप्ति कहाँ होगी, इसकी प्राप्ति सत्संग से ही होगी। तो हमें अगर भगवान तक पहुँचना है, भगवान का दिव्य प्रेम लाभ प्राप्त करना है, तो सत्संग जीवन का एक अमूल्य साधन है। वह साधन आप हम सबको आज ऐसा लगता है सहज रूप से मिल गया, पर यह सहज रूप से नहीं मिला है। सहज से इस संसार में कोई भी वस्तु पदार्थ सुलभ नहीं है, कोई भी वस्तु पदार्थ चाहिए तो यत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। हमको भी यह दिव्य सत्संग मिला हुआ है, ठाकुर जी के धाम में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके अगर सत्संग का लाभ आज हमें मिल रहा है, तो हमने भी निश्चित रूप से किसी जन्म में कोई ना कोई यत्न तो जरूर किया है, कोई ना कोई पुण्य कर्म तो जरूर किया है, किसी न किसी की कृपा तो हमारे ऊपर निश्चित रूप से हुई है कि उसका फल हमें चाहे आज मिला हो या किसी भी रूप में कहीं भी हमें सत्संग लाभ मिलता है, तो समझना कि यह भगवान की अनंत कृपा है हमारे ऊपर। तो भगवान की बड़ी अनुकंपा, और इस अनुकंपा का फल हमें सत्संग मिला है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ, इस महायज्ञ के मुख्य यजमान परिवार जिन्हें भगवान ने यह सौभाग्य प्रदान किया, हमारे श्री वेद प्रकाश अग्रवाल जी एवं श्री शांतिपुरी अग्रवाल जी सहित समस्त परिवार, आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपके ऊपर ऐसे ही अनुकंपा बनाए रखें, और इसी प्रकार के शुभ संकल्प जीवन में सदैव भगवान कृपा करके पूर्ण करते रहें, यह अभिलाषा। समुपस्थित समस्त भगवत अनुरागीजन, आप सब भी सादर निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो भी महानुभाव इस कथास्थल में उपस्थित हुए हैं, आप सब ने बड़ी कृपा की है हम सबके ऊपर, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और इस महायज्ञ में आप भी हमें साथ देने के लिए, हमारे साथ भगवत चर्चा में आनंदित होने के लिए, इस आनंद को बढ़ाने के लिए आप सब उपस्थित हुए हैं। आप सबको हम हृदय से वंदन करते हैं, और 7 दिन हमारे इसी प्रकार आनंद से बीतें, भगवान के प्रेम में अनुराग में 7 दिन तक कम से कम जीवन के जितने पल हैं उन पलों में से यह जो ये 7 दिन का जो समय है, ये जो पल हमें मिले हुए हैं, ये बड़े अमूल्य पल हैं, ये अमूल्य पल, इनका लाभ हमको मिल जाए। क्योंकि तुलसीदास जी ने तो कहा
कि एही तन फल एही तन कर फल विषय न भाए, एही तन कर फल विषय न भाए, एही तन कर फल विषय न भाए, एही तन कर फल विषय न भाए। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाय, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाय, एही तन कर फल विषय न भाई। यह मनुष्य तन जो हमें मिला है, यह केवल विषयों को भोगने के लिए संसार में जन्म लेकर के कीड़े मकोड़ों की तरह हम मर जाए, इसके लिए यह जीवन नहीं मिला हुआ है। खाना पीना मर जाना सबके लिए सहज सुलभ है, लेकिन जिस कारण के लिए यह शरीर मिला हुआ है वो इतना सहज भी नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, हम नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कर्म आदि सब करते हैं, किसके लिए करते हैं? धन मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, यशमान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, संसार में हमारा भी रुतबा बढ़ जाए, अथवा तो सांसारिक ऐहिक जो भोग पदार्थ हैं उसके सहित जो पारलौकिक भोग पदार्थ हैं, स्वर्गाधिक जो लोगों जितने भी स्वर्गाधिक लोक हैं जिनका लोभ प्रलोभन हमारे शास्त्रों में कर्मकांड में वर्णन किया गया है, उन सब कर्मकांड में वर्णित जितने भी सकाम जो फल हैं, उन फल के अंतर्गत मिलने वाले जितने भी सुख हमने उसको सब कुछ मान रखा है, जो कि वास्तव में अंतिम में सुख के कारण ही दुख के ही कारण हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जी ने तो कहा कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर हम स्वर्ग की कामना से भी पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, बोले कि ठीक है, देवान भावयता नेना ते देवा भावयंतु परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यत। गीता में भगवान ने कहा कि देखो भाई, देवी देवताओं से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, जो भी प्रकृति के अंतर्गत हमें श्वास प्रश्वास अन्न आदि जो भी पदार्थ हमें मिला हुआ है देवी देवता हमको देते हैं, तो भाई इनका भी यजन कर दिया करो समय समय पर। यह लोभ प्रलोभन दिया गया शास्त्र की एक मर्यादा बनाई है, कुछ सकाम पंथ में के विषय में भगवान ने जो बात कही है, वहाँ देवी देवताओं की भी आराधना किया करो, उनसे फल मिल जाए। हम उसी कामना के अंतर्गत ही देवी देवताओं को मनाते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी संसार के भोग पदार्थ मिल जाए जो तुमने दिए हुए हैं, उससे हमें बहुत सुख मिले आदि आदि कामना लेकर के हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि स्वर्गादिक कामनाओं को लेकर के हम जितने भी कर्म करते हैं, स्वर्ग मिल भी जाए अगर, तो बोले कि वो स्वर्ग भी दुखदायी ही है, क्योंकि स्वर्ग में पहुंचे हुए लोग भी सुखी नहीं है। इतिहास शास्त्र पुराण उठा के कोई भी प्रसंग हम देखें तो स्वर्ग में पहुंचने के बाद भी दुखी हैं, वहां भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो बोले कि स्वर्ग आदिक कामना से किए गए कर्म भी दुखदायी हैं, और यह मनुष्य जो तन मिला है, यह मानव तन मिला हुआ है, यह मानव तन तो केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है। इसीलिए तुलसीदास ने सचेत किया कि मानो अमृत कलश हमें मिला और अमृत कलश हमने पलट दिया है, और उस अमृत कलश के बदले हमने विष का कलश ले लिया है, और जीवन भर हम विष पान कर रहे हैं। और वास्तविकता भी यही है कि हम अमृत पान नहीं कर रहे हैं, हम विष पान ही कर रहे हैं, क्योंकि जिन विषयों का भोग हम करते हैं, जिस संसार के पीछे हम मरे जा रहे हैं, हम संसार के पीछे मरे जा रहे हैं और संसार हमें मारा जा रहा है। जिसके लिए हम मरते हैं वो हमें मारता ही रहता है, हमको सुख नहीं देता है। जिसकी कामना हुई बस कामना जगी नहीं कि दुख उसके साथ जुड़ गया। तो बोले कि भगवान ने मनुष्य तन तो दिया था कि भाई हमारा भजन करो,
यत्न इसलिए दिया है कि हमारा भजन करो, हमें प्राप्त करो, जहाँ से तुम गए हो अपने घर लौट आओ, घर वापसी करो। पर हम अपने घर लौट नहीं रहे हैं, हम तो भटक रहे हैं।